हेलो स्टूडेंट्स, आज एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्स इनवर्स स्क्वायर ला के बेस पर है ये, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिए आप लोग भी। उसने कहा था, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन को डिटेल्स लिख दूंगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन उनका ये था, सम ऑफ टू चार्जेस, सम ऑफ टू चार्जेस, सम ऑफ टू चार्जेस क्या था, 11 माइक्रो कूलम, ठीक। मैंने दो चार्ज है, उनका सम कितना था, 11 माइक्रो कूलम, एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर, डिस्टेंस ठीक बिटवीन कितना था, 10 सेंटीमीटर, ठीक। मैंने दो चार्ज था, इन दोनों चार्ज का सम कितना था, 11 माइक्रो कूलम, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर थे, और रिपल टू इच अदर, रिपल टू इच अदर 27 न्यूटन फोर्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इच चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ इच चार्ज, सम अप टू चार्ज 11 माइक्रो, सेपरेटर दे मिले 10 सेंटीमीटर, एंड रिपल टू चार्ज 27 न्यूटन फोर्स, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इच चार्ज, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जब आप सॉल्यूशन करोगे, मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, तो वेलकम टू माय चैनल राज कोचिंग क्लासेस, माय नेम इज राजकुमार तिवारी, एंड सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, ओके। अभी आपको ने बताया था, तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ज़्यादा टफ नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स कॉम्पिटिशन्स के लिए। सपोज को जी देखें, सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, फिर हमको चार्ज नहीं मालूम था, सिर्फ इसका सम मालूम था, डिस्टेंस मालूम था, और कितने फोर्स से रिपल कर रहे थे यही मालूम था। हम मानते हैं पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो Q1 प्लस K2 इक्वल टू 11, वी नो दैट, ठीक। माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10^-6 कूलम, ये बताया था स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज थे, तो 11 माइक्रो कूलम दिया है, तो उसको आप 10^-6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हमारा हो गया कूलम, ओके, एनी डाउट। अब क्या बोल रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, ठीक। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किस में, आर इक्वल टू 10/100, ठीक, मीटर में, तो ये एक जीरो कट जाएगा, और 10^-1 मीटर, ये हमारा भी हो गया। अब फोर्स कितना है, 27 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम निकालेंगे कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, एफ इक्वल टू 9×10^9 Q1 एंड K2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, देख लीजिए एक बार, मैं हट जाता हूँ, कोई डाउट, ठीक है, बड़े आगे वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट होगा, एफ के जगह पुट करेंगे 27 9×10^9, वी नो Q1 Q2, आर की वैल्यू कितना थी, 10^-1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये मैंने पुट कर दिया। अब मैं इसको नीचे लाऊंगा, 27, और ये हो जाएगा 10^2-1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
तो 10 का पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 27 से, ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। कोई डाउट? देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, बस समझना रहता है आपको। समझने के बाद यदि फार्मूला क्लियर हो, बेसिकली क्लियर हो, तो आप उसको इजियर सॉल्व कर सकते हैं। और बायो वालों के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, बना बना के देखेंगे उसको, क्वेश्चंस को देखेंगे, वैराइटीज़ देखेंगे, तो कोई टफ नहीं होगा। और वैसे भी नीट में उतना ज़्यादा हाई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स तो करना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, CBSE CG में, दोनों में जो भी होगा। आप स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे ICSE एग्ज़ाम दे रहे हैं, CBSE कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आपको लेकर जब तक यदि आप थ्योरेटिकल अच्छे से समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स बनेगा, इट इज़ कंपलसरी फॉर बेथ। तो ये मैंने लिख दिया, अब वही है 9 1 9 9 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया हमारा 3। 10 to power 9 ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऊपर जाके नेगेटिव, तो 10 का पावर -2 और -9 हो गया -11। ये हमको मिल गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट हमने निकाला था, 2 हमको मिल गया, फर्स्ट हम सम ऑफ चार्ज निकाले, अब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मिल गया। अब हम लोग इसको सिमिलर करेंगे, कई मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का भी मेथड है, या Q1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं फर्स्ट में, थोड़ा लेंदी मेथड होगा। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक फार्मूला बताऊंगा जो हमने क्लास 10th में समझा था, Q1 - Q2, इसको हम वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, √Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 एंड Q2। ओके, ये फार्मूला को जनरली आपने पढ़ा होगा, 11th में भी था ये, कॉम्प्लेक्स नंबर और जो भी चैप्टर आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, जो मैथ्स बायो वाले स्टूडेंट होंगे 10th में पढ़े होंगे, कोई ज़्यादा खास नहीं है, है ना। ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, यदि आप इसको ब्रेक करेंगे तो इस फॉर्म में लिखे हो जाएगा, या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सॉल्विंग, या इजियर मेथड में होता है। तो Q1 - Q2, अब हमारे पास देखिए सब की वैल्यू थी, Q1 + Q2 की वैल्यू कितनी थी, 11 μg, 11 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, गुलाम में चेंज किए थे -4। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की मैंने अभी निकाला कितना था, 3 × 10⁻¹¹, ठीक है। हमको Q1 + Q2 की वाली सम माली थी 11 μg, तो उसको कन्वर्ट किया हमें कुलाम में, 11 × 10⁻⁶, प्रोडक्ट का हमने निकाले 3 × 10⁻¹¹। तो हमारे पास एक फार्मूला है Q1 - Q2 का, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इसको, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 10⁻⁶, 10⁻¹२, मल्टीप्लीकेशन हुआ 2 से, 4 × 12 × 10⁻¹¹। ओके, ये आपका, देखिए कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा, मैथमेटिकल से ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, Q1 - Q2 दिज आर इक्वल टू 121 × 10⁻¹¹। इसको मैं 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो हो जाएगा 120, बैलेंस करने के लिए तो ये हो जाएगा 10⁻¹¹। ओके, एक्चुअल में कहानी ये है, मैं इधर साइड पे इंडेक्स बताता हूँ, 12 × 10⁻¹⁰ है, तो 12 × 10 upon 10 × 10⁻¹¹ ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये 10⁻¹⁰, ये इसका पावर ऊपर जाके 8 जाएगा, तो 120 × 10⁻¹¹। मैंने ऐसा इसलिए किया दोनों का एक्सपोनेंट को इक्वल करके कॉमन निकाल सके। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट? तो ये हो गया Q1 - Q2 दिस आर इक्वल टू, कॉमन निकालोगे आप 10⁻¹², है ना, तो 121 - 120, और इसको लिख सकते हैं 10⁻¹² को हम -6 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 1, और ये 10⁻¹⁶ ओनली 1 × 10⁻¹⁶, ये हमारा निकल क्या है, इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट? हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया। अब क्लास 10 में पढ़े थे हम,
कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन करने के तीन मेथड है। पहला मेथड था कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एलिमिनेशन और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन में फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐड भी कर सकते हैं अपन, एडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, डैट करते हैं Q1 प्लस Q2 लेफ्ट हैंड साइड प्लस Q1 माइनस Q2, दिस आर इक्वल टू 11 × 10⁻⁶ प्लस 1 × 10⁻⁶। अब ये माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q1 2Q1, ओके ये हो गया। इसमें से आप 10⁻⁶ कॉमन निकालोगे तो 11 प्लस 1 12 × 10⁻⁶, यदि 2 से इस पर डिवाइड कर देंगे तो Q1 इक्वल टू जाएगा 6 × 10⁻⁶। इट मीन दैट Q1 इक्वल टू 6 μC। जब सम ऑफ टू चार्ज कितना था, 11, तो एक चार्ज निकला हमारा Q1 6, तो दूसरा जाहिर है कितना निकलेगा, 5। रख सकते हो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना था, 11 μC। वैल्यू पुट कर सकते हो 6 + Q2 इक्वल टू 11, तो Q2 इक्वल टू 11 − 6, तो Q2 इक्वल टू निकल गया 5 μC। ओके ये हमारा क्वेश्चन आया, तो कोई डाउट हो तो बताइएगा। सिंपल है, फोटो खींच लीजिए, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, क्या दिया है, सम ऑफ टू चार्जेस 11 μC, डिस्टेंस 10 cm और एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, कितना 27 N फोर्स है। तो सबसे पहले इनका बीच का डिस्टेंस कितना था, 10 cm, तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे ना, 10 cm मीन्स 1 मीटर में कितना होते हैं 100 cm, तो उसको डिवाइड कर देंगे 100, तो 10/100, तो 100 कट जाएगा, 1/10 को वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 10⁻⁹, तो आर निकल गया 10⁻⁹। अब हमारा कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर ला क्या है, एफ इक्वल टू 9 × 10⁹, है ना, Q1 Q2 / r का स्क्वायर। एफ की वैल्यू पुट किए हम, आर की वैल्यू पुट किए, एफ की वैल्यू 27 और आर की वैल्यू 10⁻⁹, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 10⁻²² आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27 से और 9 × 10⁻⁹ को डिवाइड करेंगे 27 से। क्या बोला मैंने एक बार, 10⁻² को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 27 से और 9 × 10⁻² को डिवाइड करेंगे 27 है। फिर 9 को हम 27 को 9 से 3 टाइम्स क्रॉस कर देंगे और 10⁻²² को 10⁻⁹ से ऐड कर देंगे, तो हमारा 3 × 10⁻⁻¹ एक निकल गया प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब सम ऑफ चार्ज देख लिए थे, अब डिफरेंस ऑफ चार्ज, मैंने कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दिस इज राइट इन दिस फार्मूला, तो Q1 − Q2 का ये फार्मूला होगा इसको, तो वैल्यूज पुट करेंगे, Q1 + Q2 का 11 × 10⁻⁶ और Q1 Q2 का वैल्यू पुट किए, तो 11 का स्क्वायर 121, 10⁻⁶ का 10⁻², 4 × 3। अब हम इसको 10 से क्या किया है, बैलेंस किया है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो 120 आ गया, 10⁻⁻ हो गया। जब कॉमन निकाले हम तो Q1 − Q2 की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻⁶। फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया है तो हमको निकला है Q1 = 6 μC। जब उसको हम पुट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो Q2 = निकल गया 5 μC। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन निकल सिंपल से सॉल्व हो गया, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल सा वीडियो था, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।